देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पीमीटर और एरिया का क्वेश्चन बहुत ही सर तरीके से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। कह रहा है कि ए बरांडा 1.25 मीटर वाइड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑल द अलोंग द आउटर साइड ऑफ द रूम 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ फ्लोर ऑफ बरांडा एट द रेट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इसका जो सोल्यूशन होगा। पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि 5.5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड। तो ये रेक्टेंगल है, ये जो रूम है रेक्टेंगल है, ये हमारा 5, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर मीटर लॉन्ग हो गया, और ये जो है 4 मीटर क्या हो गया हमारा वाइड हो गया। ये मान लीजिए हमने इसको दे दिया ए बी सी और ए डी दे दिया, नाम दे दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि 1.25 मीटर वाइड, इसके चारों तरफ जो है 1.25 मीटर इसके वाइड है चारों तरफ, तो ये हमारा 1.25 मीटर हो जाएगा और इधर भी 1.25 मीटर हो जाएगा। अब हमको मान लीजिए कि ये बी सी डी, ए मान लीजिए पी क्यू आर और ए हमारा हो गया यस। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, पहले हम एरिया ऑफ रूम निकाल लेंगे। एरिया का रूम लिखा, एरिया का रूम निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रूम, रूम का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रूम, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया है 5.5 दिया है और इनटू ब्रेथ क्या दिया है हमारा 4 मीटर दिया है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पांचों को बीस, ये आएगा 22.0 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीटर की लेंथ की एरिया की यूनिट जो है मीटर में होगा, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर होगा। अब हमको क्या करना है कि अब लेंथ आप पी क्यू निकालेंगे, क्योंकि हम इसका बरांडा विद द रूम का निकालना पड़ेगा। तो अब हम एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 1.25 मीटर जो दिया है ये 5.5 मीटर और प्लस इसका दोगुना कर देंगे, क्योंकि लेंथ इसके दोनों तरफ होगा तो इसकी जो ब्रेथ जो होगी, तो हम इसको क्या करेंगे देखेंगे। तो लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 5.5 प्लस 2 इंटू 1.25, तो ये हो जाएगा 5.50 प्लस 2.50, ये क्या होगा ये आपका हो जाएगा 8.00 मीटर हो जाएगा। अब हमको ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ क्या होगा पी आर, पी आर की ब्रेथ क्या हो जाएगी, तो देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ दी गई है, तो 4 प्लस 2 इंटू 1.25, तो इसमें भी करेंगे तो 4 होगा, 4.00 कर लेंगे और +2.50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6.50। अब हमको क्या निकालेंगे कि एरिया ऑफ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों क्या है एरिया ऑफ बरांडा विथ रूम, बरांडा विथ रूम है, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगा लेंथ हमारा हो गया 8 और इस इंटू 6.50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 52.00 आएगा।
ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर में। देखोगे एट में जीरो जीरो, एट फाइव जा फोर्टी वो जीरो, और एट सिक्स जा फोर्टी एट, और एट फोर में जोड़ देंगे फिफ्टी टू होगा, और टू डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो इतना हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको करना क्या है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ बरांडा निकालना है। तो एरिया बरांडा निकाल लीजिए, एरिया ऑफ बरांडा क्या हो जाएगा एरिया बरांडा में, तो एरिया बरांडा में क्या होगा कि एरिया बरांडा विथ रूम, एरिया ऑफ बरांडा विथ रूम और माइनस एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें से हम घटा देंगे, तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका आया है 52, और ये कर सबट्रैक्ट कर देंगे, अब लिख देंगे 52, और ये हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, हाँ ये आएगा आपका 20, तो 30 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि कास्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ द फोर फ्लोर ऑफ द बरांडा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कास्ट ऑफ, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे यहां से ले लेते हैं कास्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर, कास्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग द फ्लोर, सीमेंटिंग सीमेंटिंग कास्ट ऑफ वन मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 15 रुपीज है, 15 रुपीज है। तो कास्ट ऑफ आपको निकालना कितने का है, कास्ट ऑफ 30 मीटर स्क्वायर का निकाल देना है, तो 30 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 30, तो ये हो जाएगा 450 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेल के साथ साथ ऑल को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, मैं इसी तरह से आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग।